बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सर, जेबिल ड्रॉप डाउन लिस्ट विद डेवलपर टैप से किस तरह से बनेगी कॉम्बो बॉक्सेस को यूज करते हुए, ये ट्रिक आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलने वाले। तो एडवांस पर लाइक करें, जो फर्स्ट देखना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर, और कोई भी आप एक कॉलम बना लें जिन नामों की आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है सर जेबिल, ठीक है। तो एक कॉलम में वो सारे आप नाम एंटर कर लें। तो यहाँ प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास नाम सेव हुए हैं लिस्ट के, वो मैं ट्रैक कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो देखनी है ऐड कस्टम लिस्ट किस तरह होगा, तो शार्प स्टम यूट्यूब चैनल पे जाकर आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। इस तरह से आप कस्टम लिस्ट के जो ऑप्शन है वो अपने ऐड कर सकते हैं सेल में। अच्छा, मैं यहाँ पर कैरट कर लेता हूँ और ड्रैग करूंगा तो ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स के नेम इंटर हो जाएंगे। चॉकलेट चिप है जो मैंने लिस्ट बनाई हुई, ठीक है जी। तो इस तरह से जो भी आपकी लिस्ट होती है वो एक दफा आप कस्टम ऐड लिस्ट से जाके सेव कर लेते हैं उसको। अब बात आ जाती है डेवलपर टैब के अंदर ऑन करने की ऑप्शन। तो इसके लिए यहाँ मेरे पास मेन्यू में ऐड है, आप राइट क्लिक करेंगे कहीं भी मेन्यू पर कस्टमाइज ऑप्शन, कस्टमाइज में यहाँ पर आपको डेवलपर का चेक ऑन करना होगा। ऑन करेंगे यहाँ पे और उसको ओके करेंगे, ये ऐड हो जाएगी। डेवलपर में जाएंगे, इंसर्ट, और यहाँ पर दिया हुआ है आपको कॉम्बो बॉक्स एक्टिव एक्स कंट्रोलर। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे और जहां आपको ड्रॉप डाउन बनाना है, ठीक है जी, उधर जाकर ये आप ड्रॉ कर लें, ठीक है जी। तो इसको आप ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद इसके प्रॉपर्टीज ऑप्शन के अंदर क्लिक, प्रॉपर्टीज ऑप्शन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर वर्कशीट दिया हुआ है, ऑटो वर्ड सिलेक्ट, ऑटो वर्ड सिलेक्ट में जाएंगे, यहाँ से मैं इसको फॉल्स कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा लिंक सेल, ठीक है जी। लिंक सेल के अंदर कोई भी एक सेल का लिंक दे देना, यहाँ पर D1 का ऑप्शन ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ से हम जाएंगे कॉम्बो बॉक्स और यहाँ पे ऑटो वर्ड सिलेक्ट हो गया, और यहाँ पर लिंक सेल के अंदर जो है वो D1 सेल लिख भी सकते हैं और सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ये मैंने लिंक सेल का ऑप्शन दे दिया इधर। उसके बाद यहाँ पर आया लिस्ट फिल रेंज, तो इसको हम यहाँ पे हम लिस्ट फिल रेंज के अंदर लिख देंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, और इसके बाद यहाँ पर आएगा मैच एंट्री। तो यहाँ पर हम इसको ड्रॉप में जाएंगे और यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन में सिलेक्ट करो एफ मैच एंट्री नन। ये काम करने के बाद इसका डायलॉग बॉक्स कर देंगे यहाँ से क्लोज, ठीक है जी। अब एक्टिव इसका यूज करने के लिए डिजाइन मोड क्लिक करेंगे। अगर इसका ड्राइव मोड क्लिक नहीं है तो आप यहाँ पर ये क्लोज करने के बाद ड्राइव मोड पर क्लिक करेंगे तो ये फिर एक्टिव कंट्रोल में हमारे यूज होगा। और जो सेल रेफरेंस था D1, मैंने यहाँ का सेल रेफरेंस बताया, आप कोई भी सेल का रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है, जहाँ आपने ड्रॉप बॉक्स को ये जो है ड्रैग करा हुआ होगा यानी ड्रॉ किया हुआ होगा। फिलहाल अभी ये है, इसके अंदर जो भी नाम ऐड होंगे तो लिंक सेल के हिसाब से ये काम करेगा। अब इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल हाइफनेशन दो दफा, और इस नंबर के साथ इफ एरर और इसके साथ सर्च, ठीक है जी। कोई भी सर्चेबल लिस्ट बनती है तो सर्च का ऑप्शन लाजमी यूज होता है। इसमें फाइंड टेक्स्ट हो गया, फाइंड टेक्स्ट जो होगा फर्स्ट हमारा वो इस सेल का जो हमने रेफरेंस कॉम्बो इसमें दिया था, ठीक है जी, कॉम्बो बॉक्स में सेल का रेफरेंस दिया था, वो सेल सेलेक्ट करेंगे। F4 फाइंड टेक्स्ट यानी इसको फाइंड करें, कॉमा विद इन टेक्स्ट इस सेल के अंदर फाइंड करें, फिर कॉमा स्टार्ट नंबर 1 पोजीशन से फाइंड करें, फिर यहाँ पर सर्च ब्रैकेट क्लोज, तो एक एरर का अगर एरर होगा रिटर्न के लिए दो इनवर्टेड कॉमा दे दिए ब्लैंक, और फिर यहाँ पर इस नंबर का ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये 1 हो गया। और फिर जैसे ही ड्रैग करेंगे यहाँ पे F4 कर लिएगा जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से। अब फिलहाल हम यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं तो ये देखें, जहाँ उसको सी मिलेगी वहाँ कंडीशन 1 और रिटर्न नहीं होगा तो वहाँ पर 0। अब सी इसमें भी है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ये सब सर्च कैटेगरी में आएंगे हमारे पास, ठीक है जी। यहाँ तक ये हुई है, कम्बो बॉक्स में ऐड हो रहा है। अब दूसरा स्टेप्स में क्या करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर 1 लिख रहे हैं तो ये जिन जिन सेल में सी लिख रहे हैं तो जिन जिन सेल में 1 है वो हमारे पास लिखा हुआ शो हो रहा है। अब हमें इसको क्लियर करना है यहाँ से, तो ये 1-1 आ रहा है। अब हमें इसको काउंट कराना है कितनी दफा यहाँ पे 1 है, तो वहाँ 1, 2 को, सेकंड 1 को 2, फिर थर्ड 1 को 3, 4 इस तरह से। तो इसके लिए हम इफ कंडीशन यूज करेंगे और इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, कहेंगे बराबर है ये अगर 1 कॉमा तो काउंट इफ,
और यहां से इस रेंज के अंदर इस रेंज को काउंट करना है, B2 से B2 की रेंज, और फर्स्ट वाली जो B2 की रेंज है इसको हम कर देंगे F4, और क्या काउंट करना है, क्राइटेरिया 1, और यहाँ पर कर देंगे काउंट इफ का ब्रैकेट और इफ का ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और ड्रैग करेंगे तो खुद ब खुद जो है 2 3 4 इस तरह से आ जाएगा ये हमारे पास। यहाँ भी सेंटर कर लेते हैं, ठीक है जी, इसको भी सेंटर कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये 1 1 को काउंट कर ली जहां तक हमारे नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हो गए। नेक्स्ट स्टेप के लिए अब इन नंबर के साथ हमें इनके ऑप्शन भी यहाँ पे चाहिए, ठीक है जी। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर लेते हैं, या फिर यहाँ पर ही हम जो है इसको यूज कर लेते हैं फॉर्मूले को। यहाँ पर आ जाएगा एफ एरर इंडेक्स ऑल कॉलम नेम, ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे कॉमा, और यहाँ पर लगेगा मैच फॉर्मूला, ठीक है। 1 के हिसाब से जो है फर्स्ट, 2 के हिसाब से सेकंड, थर्ड, इस तरह से सारी सीक्वेंस चाहिए। और यहाँ पर जो है ये हमारे पास लुकअप वैल्यू हो गई इस सेल को, और इसी सेल की लुकअप वैल्यू को चेक करें और मैच होगा रॉस के साथ, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम रॉस फंक्शन यूज करेंगे, और यहाँ पर ये हो गई लुकअप वैल्यू मैच की, और लुकअप एरे के लिए जो होगी वो कंडीशन हमारी लुकअप एरे में ऑल कॉलम ही सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और इसके साथ फर्स्ट वाला ये जो आ रही है इसको हम कर देंगे F4C2 की रेंज को, फिर यहाँ पर इसको भी F4 कर देंगे। उसके बाद लुकअप मैच टाइप तो 0 एक्सेप्ट मैच, और यहाँ पर कर देंगे हम मैच ब्रैकेट क्लोज इंडेक्स ब्रैकेट क्लोज, एफ एरर होगा तो यहाँ पर एरर रिटर्न के लिए 2 इनवर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर और ड्रैग, ठीक है जी। अब 1 2 3 इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई हमारे पास। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला में जाना है, नेम मैनेजर में जाना है, और न्यू में जाएंगे, इसको हम ऐड करेंगे न्यू, और यहाँ पर नाम दे देंगे ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर यहाँ पर नाम आ जाएगा E2 कॉलन इंडेक्स, और इसको F4 कर देंगे, ठीक है यहाँ पर, और इंडेक्स के अंदर और ऑल कॉलम इंडेक्स में हम यहाँ से नेम का सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर कॉमा लगेगा, उसके बाद मैक्स ब्रैकेट ओपन ऑल कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे नंबर्स का, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कॉमा कर देंगे 1, ओके। अब ये जाके ड्रॉप डाउन लेस ऑप्शन हमारा ओके कर देंगे, ये फॉर्मूला पूरा हमारा इसके अंदर अप्लाई होगा, ठीक है जी। यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ अब क्लोज। अच्छा यहाँ पे, यहाँ जो मैंने E2 सिलेक्ट करा, यहाँ E2 नहीं होगा, यहाँ पे D2 पे ही सेल होगा फर्स्ट, ठीक है जी। फिर कॉलन के साथ इंडेक्स मैच होगा, यानी सेकंड जो फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है मेरे पास लिस्ट वाले नेम का वो D2, फिर कॉलन, और उसके बाद ऑल लिस्ट इंडेक्स फॉर्मूले में फिर कॉमा मैक्स, फिर ऑल ब्रैकेट, इसको सिलेक्ट करा, फिर हमने ब्रैकेट क्लोज कॉमा 1 कर दिया, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है जी। इस तरह से आ जाएगा ये डॉट इंडेक्स मैक्स सी रेन कॉमा 1, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है जी। यहां तक ये काम इतना करने के बाद आपको डेवलपर में इस पर डबल क्लिक करना है डिजाइन मोड, और इस पर आगे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर चेंज सिलेक्शन में जाकर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे गो टू फोकस, ठीक है जी। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, और इसके लिए फिर हम एक छोटा सा कोड लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट हम आएंगे कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट फिल्टर रेंज बराबर है इनवर्टेड कॉमा,
ड्रॉप डाउन लिस्ट, फिर इनवर्टेड कॉमा, एंटर, मी डॉट कॉम्बो बॉक्स वन डॉट ड्रॉप डाउन। ठीक है जी, ये काम करने के बाद अल्टर क्यू क्लोज विजुअल बेसिक एडिटर, और अब यहां पर आकर हम इसमें डिजाइन मोड का चेक हटाएंगे तो ये यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, डिजाइन मोड का चेक हटाएंगे और इसमें आप देखें जो भी पॉइंट लिखेंगे उस हिसाब से हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट काम करेगी इसके अंदर। और ये जो एज अ सोर्स हमने यूज किया है, इसको अगर आपको हाइड करना है तो आप हाइड भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करें इसको हाइड, ताकि ये सोर्स हमारी नजर नहीं है, और इसको कलर व्हाइट कर लें, व्हाइट करना है तो इस मदद से, इसकी मदद से व्यू में जाके ग्रिड लाइन का चेक हटा दें तो एक अच्छा सा आप खुद का कॉम्बो बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी, सी हटाएंगे तो फुल लिस्ट शो हो जाएगी यहाँ पे। और इसी तरह से अगर आप डायरेक्ट देखना चाह रहे हैं कोई वर्ड तो डायरेक्ट सर्च कर लें, और अगर कोई आप अल्फाबेटिकल सर्च चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पर जाकर आप लिस्ट को क्लियर करके सिर्फ एक अल्फाबेट देंगे तो उससे रिलेटेड जो भी सर्च होंगी वो आ जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, जब ये हो गया, अब इसके बाद जैसे हमने टाइप करा, देखिए 20 से आने वाले नाम आ गए, इसी तरह मुझे सी से वाले नाम चाहिए इस तरह से, तो ये सब आ जाएंगे आपके सामने। तो डिजाइन मोड जब चेक होगा तो एडिटेबल होता है, यानी उसको हम एडिट कर सकते हैं, कोड वगैरह में जाकर कोड वगैरह टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह कम्बो बॉक्स की मदद से डेवलपर टैब को यूज करते हुए कम्बो बॉक्स से सर्चेबल ड्रॉपडाउन कैसे बनेगी, तो वो मैंने आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट आपको पसंद आया तो भरपूर ज्यादा से ज्यादा लाइक्स होने चाहिए, ताकि इस तरह के और कोड्स बेस्ड जो है काम या नॉर्मली जो ज्यादा मुश्किल नहीं है वो, और उसके ट्रिक्स और ऑप्शंस के साथ आप किस तरह सीख सकते हैं वो मैं वीडियो आपके साथ अपलोड करूँ ज्यादा से ज्यादा। तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और रिस्पॉन्स अपना कमेंट करके बताएं तो फिर उससे रिलेटेड वीडियो और मजीद अपलोड होंगी कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है जी, तो वीडियो को लाजमी शेयर भी करें जो फर्स्ट देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरह की तुरंत फोटो नोटिफिकेशन उनको देखने को सीखने को मिलती रहे शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जिस तरह इजिली स्टेप से मैंने गाइड किया है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आ गए होंगे सारे ऑप्शन, तो आपके लाइक्स भी उतने ही आने चाहिए। और अगर फिर भी कोई कमी क्यूरी या कोई सजेशन हो या कोई आपकी क्यूरी है तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।